जितना अज्ञानता कारण एचआईवी से डरते हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जानकारी लेने की जरूरत है। आज आए दिन हमारे पास जितने सारे कॉल्स आते हैं, बच्चों के इतने सारे कॉल्स आते हैं कि डांडिया प्ले करते करते इस तरह की घटनाएं आपस में घटा लेते हैं, उसके बाद से कॉल आते हैं इतने भयभीत होने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं अगर जागरूकता के साथ अगर घटना अगर सतर्कता से अगर हम डांडिया प्ले करें एंड हम अपने आप को ज्ञान प्राप्त करें कि एचआईवी है क्या, होता कैसे है और किन किन कारणों से होता है, अगर इस पर हम थोड़ा सा अगर हम अवेयरनेस ले अपने आप को समाज को दें, तो आज हमारे पास डांडिया के बाद इतनी सारे कॉल्स आते हैं, ये शायद इतने कॉल्स आएंगे नहीं, और कॉल आएंगे भी तो जानकारी के लिए आएंगे, जागरूकता के लिए आएंगे। और तो मैं आप जैसे यूथ को एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि आप डरे नहीं और ऐसे चीज़ों को जानकारी लें ताकि ये इच्छा भी होता रहते हैं। दूसरा कि जो अक्सर डांडिया के बाद से बच्चे यूथ सब ओवर ड्रिंक करने के बाद से हमेशा कुछ ना कुछ जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, बिना प्रिकॉशन के ये रिलेशनशिप बना लेते हैं और उसके बाद से इतने डर जाते हैं, तो प्लीज़ उसे डरने की बात नहीं। एक समय था हम लोग के जब आईजीएच एंड एमपी शाह मेडिकल कॉलेज में डांडिया प्ले करते थे, डिस्को डांडिया हुआ करता था, तो उस वक्त तो इतनी अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी हमारी कम्युनिटी अल्कोहल कम से कम कंज्यूम करती थी और इस तरह की एचआईवी होने की संभावनाएं कम होती थी, घटनाएं भी कम घटती थी क्योंकि हम अल्कोहल कम लेते थे। तो आज हमारा यूथ को मैसेज है कि डांडिया बहुत अच्छे से इंजॉय करके खेले, लेकिन ऐसी कोई गलतियां ना करे जिसके चलते जिसकी सजा आपके माँ बाप तक को भुगतना पड़े। तो अपने आप को संयम रखते हुए एंजॉय जरूर करें, डांडिया अवश्य खेलें, लेकिन सतर्कता को ध्यान में रखते हुए एंजॉय करें, खेलें। एंड अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो भी जाती है तो हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आप बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स से हैं जहाँ की आप कॉल करके और इसकी परामर्श ले सकते हैं और हाइपर होने से बच सकते हैं। एंड अगर इस तरह के इन्फेक्शन लग भी गए तो आप इन्फेक्शन लेकर के ट्रीटमेंट लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी संयम के साथ हंसते खेलते अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो प्लीज़ एक तो हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दारू कंजम्पशन ना करें डांडिया के बाद, और अगर हो भी गया, गलतियाँ हो भी गई, तो एक्सपर्ट से राय लें, उनके उनके सहयोग से उनके डायरेक्शन पे आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को सही सलामत मुकम्मल करने में अपने आप को कामयाबी हासिल करें, ये मेरा राय है। प्लीज़ इसे अपने साथ साथ अपने यार दोस्तों तक इस मैसेज को फैलाने में कामयाबी प्राप्त करें। एंड एक सोसाइटी को एचआईवी जैसे इन्फेक्शन लगने से बचाएं, दूसरा अगर लग भी गया तो हाइपर ना होते हुए उसके ट्रीटमेंट लेकर के एक मुकम्मल जिंदगी जीने में अहम योगदान प्राप्त करें। थैंक यू।